गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का क्राउन कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड। और हाँ, अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो फिर आप डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ मत पढ़िए, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में नंबर एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी कंडीशंस, डिविजिबिलिटी फैक्टर, प्राइम फैक्टर और इवन नंबर्स, जितने भी ज्ञान होते हैं नंबर सिस्टम बेस्ड पे, वो सब अप्लाई हो जाता है एलसीएम एचसीएफ में। तो हर बुक्स में मैंने देखा है कि ये बहुत छोटे से चैप्टर के रूप में दिखा होता है कि हाँ, दो चार पन्ने का, दो चार पेजेस का दे देते हैं लोग। लेकिन क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ अपने आप में बहुत ब्रॉड चैप्टर है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मेरा कमांड हो तो आप नंबर सिस्टम को पहले पढ़ लीजिए, देन आप एलसीएम और एचसीएफ को पढ़िए। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई थिंक मैंने पार्ट वन कवर नहीं किया है, या फिर किया है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगर पार्ट वन मैंने कवर किया है तो पहले आप पार्ट वन देखिए और इसके बाद फिर जो है पार्ट टू पे आइए। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से 1 बचता है। पहले हमारा क्या होता है कि हम पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसके बाद में फिर जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, जिससे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से शेष बचता है। मतलब वह कम से कम नंबर क्या है जिससे उस नंबर को अगर हम 12, 15, 20 या 54 से भाग दें, डिवाइड करें, तो हमारे जो रिमाइंडर है ना वो 4 बचना चाहिए। तो अगर वो नंबर हमें पता चल जाता है जिससे 4 ना बचे, अगर वो नंबर हमें पता चल जाए कि जिससे इनमें भाग देने पे 4 ना बचे, तो उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अच्छा वो नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। वो पार्टिकुलर नंबर हमें फाइंड करने के लिए इनका एलसीएम लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है 12, 15, 20, 54 का, तो हमारा एलसीएम आ रहा है 1080। तो 1080 हमारा यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, सो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड किया 2 से। अब 2 से क्यों डिवाइड किया, 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। फैक्टर तो ये यही रहने वाला है, मतलब इसको 2 टाइम्स करोगे तो यही आने वाला है, मतलब फैक्टर तो हमारा वही है। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो हमें मिल रहा है 540। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप हो गया है तो आप इसे समझ लीजिएगा, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ रहा है 540। एंड मैंने क्या बोला था कि ये 540 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 12, 15, 20 और 54 से भाग दें तो हमें शेषफल जो है 0 मिलेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो 544 हमारा आंसर हो जाएगा। इस 544 में यही 4 एक्स्ट्रा बचेगा जो कि इसमें बोल रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और रूल के अकॉर्डिंग, मैथ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा सा पहले देख लीजिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से शेष बचता है। ये बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, जस्ट जैसा हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 से शेषफल बचाना है, यानी कि इन सबका एलसीएम फाइंड करना है और जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं क्या कैसे किया हमने। यहाँ पे क्या किया मैंने, 2, 4, 6, 8, 12 एंड 16 का एलसीएम फाइंड किया जो कि 48 आएगा, और 48 में हमने 2 ऐड किया तो 50 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, पहले आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से समझना पहले से। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। ये बोल रहा है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने छात्र हो सकते हैं जिनके बीच में अगर हम 1001 कलम यानी कि 1001 कलम को और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटें कि प्रत्येक छात्र में बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। मतलब ये अगर यहाँ पार्टिकुलर छात्र हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लो कुछ छात्र हैं, तो ये इतने छात्रों में ये बराबर बराबर बढ़ना चाहिए और इतने ही छात्रों में ये बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। तो ये जो छात्र होंगे यहाँ पे, ये ऐसे नंबर होंगे जो इन दोनों को कैंसिल कर दें तभी तो इक्वल बटेगा। यानी कि अगर आप 10
आम ला रहे हो और दो लोगों के बीच में बांटना है, तो 5 2 10 यानी कि 5 जो है 10 को पूरा क्रॉस कर रहा है यानी कि कैंसिल कर रहा है। ऐसे यहाँ पे वो नंबर हमें फाइंड करना है जो दोनों को कैंसिल कर दे, और अधिकतम संख्या फाइंड करनी है। अब ऑप्शन में इसको चेक करते हैं क्या है कि 910 और 1001 यहाँ पे दे रखा है, तो 910 से ज़्यादा से ज़्यादा क्या 910 डिवाइड हो सकता है ना। अब 911 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, और ये 1001 भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें 910 पेंसिल को बांटना है। अब 910 पेंसिल को बांटना है तो 1001 तो किसी को मिलने वाला है नहीं, तो हमें क्या करना है कि 910 या फिर इससे कम की वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पर 910 हो सकता है या फिर 91 हो सकता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 910 क्या इसको डिवाइड कर रहा है। अगर हम इतने पर्टिकुलर नंबर को इतने लोगों में बांटेंगे तो क्या वो बराबर बराबर पाएंगे? बराबर तभी पाएंगे जब वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 91। 91 इसको भी डिवाइड कर रहा है 10 जा, एंड 11 जा आई थिंक जाएगा तो इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 91 हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे आई थिंक देखो मैंने किया भी है, 910 को यहाँ पे 91 से डिवाइड किया तो 10 मतलब 10 10 पेंसिल या कलम इतने को मिलेगा, और 11 11 पेंसिल या कलम जो है इतने लोगों को मिलेगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थोड़ा मैं फटाफट यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं पूरे के पूरे बेसिक समझाऊंगा आपको। बेसिक समझने के लिए आप पार्ट वन देखिए या फिर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसके बाद फिर ये चैप्टर देखिए, बिकॉज यहाँ पे समझाने का ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता हो। वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या करना है कि अधिकतम संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी कि अगर दो नंबर होंगे और दोनों इसको डिवाइड कर रहे होंगे और 5 7 बचा होगा। सोचो कि अगर दो नंबर ऐसे में आंसर में मिल रहे हैं कि दोनों अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे और हमें दोनों से 5 7 मिल रहा है, तो उसमें से जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वह अधिकतम पूछ रहा है। अगर तीन होंगे, तीन इनको डिवाइड कर रहे होंगे और 5 7 से बच रहा होगा, तो उन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है ये 8 इसको डिवाइड कर रहा है और 5 से बचेगा, और यही ये 8 इसको भी डिवाइड करेगा तो 7 से बचेगा, और जो है 8 क्या होगा वो नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 24 भी इसको डिवाइड कर देगा, सॉरी ये हाँ 24 भी इनको डिवाइड कर देगा, और 5 जो है रिमाइंडर बचाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड कर देगा एंड 5 रिमाइंडर बचाएगा, एंड इसको भी डिवाइड करेगा और 7 रिमाइंडर बचाएगा। तो इस बेसिस में क्या करना है हमें, 8 और 24 में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 24 हमारा आंसर जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है, मतलब प्राइम फैक्टर बनाता है। सो प्राइम इसमें कौन से हो सकते हैं? 3 3 9 होता है, ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता है, एंड 21 42 ये भी प्राइम नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे 21 एंड 42, 7 से दोनों कट जा रहे हैं, प्राइम नहीं हो सकता। सो यहाँ पे 43 और 129 को चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि 3 3 9 एंड 3 4 12, यानी कि ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे 12 एंड 7 जो है प्राइम फैक्टर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पहले आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, 12 एंड 7 आपका आंसर है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सह अभाज्य का मतलब होता है जिस किसी नंबर का एच सी एफ जो होता है वो 1 होता है, उसे सह अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एच सी एफ 1 है, तो यही हमारा आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसे आप देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? मीन्स 4 6 9 12 और 14 से अगर हम किसी नंबर को विभाजित करें, ठीक है, तो पहले वो नंबर फाइंड करना है कि जो नंबर विभाजित हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि इस ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर हम 2 टाइम्स करें तो वो एलसीएम जो हमने फाइंड किया था वो मिल जाए, यानी कि जो हमने एलसीएम फाइंड किया है इसमें से उसको 2 टाइम्स करें तो हमारा वो एलसीएम मिल जाए। तो एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं, और एलसीएम हम देखते हैं कि एलसीएम आ रहा है 252, यानी कि इनका एलसीएम जो है 252 आ रहा है। तो ऑप्शन में से हम किस नंबर को 2 टाइम्स करें कि यानी कि 252 हमें मिल जाए?
तो 252 ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको 2 टाइम्स करोगे तो 252 से ऊपर चला जाएगा, और 504 की कोई यहाँ पे मतलब बात ही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे बच रहा है 126 एंड 63, 126 को 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे 252 हमारा मिल जाएगा, और यही हमारे यहाँ पे आंसर होगा। सो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं मतलब जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर 0 शेष बचता है, तो 0 शेष बचने पे हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। और 4500 से कितनी कम संख्याएं हैं जिन्हें हम इतने से डिवाइड करें तो 0 शेषफल बचता है, एक कंडीशन ये बन रही है, और प्रत्येक स्थिति में 39 शेषफल बचता है, एक कंडीशन ये बन रही है। तो पहले हम 0 शेषफल को फाइंड करते हैं कि उनको हम डिवाइड करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा, तो 0 शेषफल बचने के लिए जो हमारा आंसर होगा वो 504 होगा, ठीक है। इनको अगर हम 56 और 72 से भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा, 39 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 39 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे हमें जो 39 ऐड करने के बाद नंबर मिलता है वो है 543, यानी कि 543। अब ये बोल रहा है कि 4500 से कम इतनी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 56 और 72 से भाग देने पर 39 बचता है, तो ये 543 ये हमारा क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिसमें 39 बचता होगा। हमें क्या करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं करने के लिए, ये जो वैल्यू फाइंड करनी है, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें 543 को 4500 को इससे भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो ये 8 टाइम्स आएगा और 156 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यहाँ पे 156 रिमाइंडर बच रहा है। अब आप एक बात बताइए कि यानी कि 543 से भाग देने पे 8 संख्याएं ऐसी आ रही हैं, मतलब अगर 9 टाइम्स ले जाओगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या होगा। वैसे भाई अगर आपने यहाँ पे 9 लिखा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू 4500 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे, यानी कि 543 का 8 फैक्टर मिल जाएगा हमें जो कि 4500 से कम होगा। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 4500 करेंगे तो हमें 543 मिलेगा, ठीक है। 543 लिखा हुआ, 443 लिखा हुआ, सॉरी, 543 वंजा करेंगे तो 543 मिल जाएगा, और 543 टूजा करेंगे तो यहाँ पे उसका 2 टाइम्स मिलेगा, थ्रीजा करेंगे यानी कि फैक्टर मिलते जा रहे हैं, फैक्टर मिलते जा रहे हैं, 4 जा करोगे तो एक फैक्टर यहाँ पे मिलेगा, 5 जा करोगे तो एक फैक्टर फिर से यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ऐसे करते करते हमें 8 फैक्टर यहाँ पे टोटल मिल जाएंगे। 9वें फैक्टर पे क्या होगा कि ये वैल्यू 4500 से अबव हो जाएगी, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने फैक्टर बन सकते हैं, यहाँ पे कितनी कम संख्याएं हैं, इसका मतलब यही है कि हमें फैक्टर फाइंड करना है कितने फैक्टर बन सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे 8 फैक्टर बनेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे से हो जाए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर से आप थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को और समझ लीजिए। तो यहाँ पर टोटल 8 नंबर हो जाएंगे जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले जो मैंने भी बताया कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी, इस पे अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो वाई क्यू मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर 1 जा करोगे तो ये हो जाएगा, 2 जा करोगे तो 1086 हो जाएगा जो कि 4500 से कम अभी भी है, 8 जा करोगे तो 4344 आ जाएगा यानी कि 4500 से कम अभी भी है, और जैसे आप 9 जा करोगे ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 8 नंबर ऐसे मिलेंगे जो इससे कम होंगे, उससे ज़्यादा करने पे ये वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी, यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 654 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए वो नंबर अगर 5 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, हमें ये चेक करना है क्योंकि 5 इजी होता है, 5 का जो फैक्टर होता है वो 0 होगा या फिर 5 ही होगा, तो इस नंबर में अगर हम क्या ऐड कर दें कि हमारा 0 या फिर 5 बन जाए। 6 ऐड करोगे 6 में तो 12 हो जाएगा जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है, 1 ऐड करोगे नहीं है, 6 ऐड करोगे 2 आएगा नहीं है, 4 ऐड करोगे तो ये मल्टीपल बन जाएगा क्योंकि 4 और 6 0 दे देगा और 0 5 का फैक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही हमें इसे बनाना है, बट कभी किसी को समझ में ना आए तो उसका मेथड यही है कि इनका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में 60 मिलेगा, 60 को इसे डिवाइड करेंगे तो 16 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 16 को अगर हम इस नंबर में जोड़ दें, ठीक है, अगर घटा तो हाँ यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे 16 मिल जाएगा। अभी 16 क्या करना है, 16 को हमें 60 से घटाना है, ठीक है। अगर 16 को हम 60 से घटा देंगे तो यहाँ पे 44 हमारा जो है आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है।
सो ऑप्शन से ही बेस्ट रहेगा, ऐसे ऐसे करने से और टाइम वेस्ट करने से हमारा बेस्ट सबसे तो ऑप्शन ही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के लिए 0 या 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, और यहाँ पे 4 और 6 को ऐड करोगे तो 0 हमारा आ जाएगा, दैट इज़ जो कि 44 से डिवाइड हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 13 है, दूसरी संख्या इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 13 है, 117 तो ऑलरेडी 13 से डिवाइड है ना, तो इसका तो 13 हो गया एक फैक्टर, और एक अन्य फैक्टर भी है जिसमें 13 आना चाहिए, तो 13 के अन्य अन्य कौन सा नंबर होगा जिसमें 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 13 यहाँ पे, यानी कि दूसरी संख्या कौन सी है जो नहीं हो सकती है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 13 का फैक्टर नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। इसमें 13 का फैक्टर आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, और इसमें जो है 13 का फैक्टर अगेन आ रहा है, 13 वन जा 13 एंड 2 वन जा अगेन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि 156 हमारा आंसर हो सकता है, और यही हमारा सही भी है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने बता देना चाहता हूँ कि 13 वन जा 13 यहाँ पे 2 जा, यानी कि ये भी जा रहा है, यहाँ पे 13 वन जा 13 एंड 13 2 जा, यानी कि 12 जा रहा है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 13 इसका फैक्टर करोगे तो 13 इंटू 9 आएगा, है ना, और इसका फैक्टर करोगे तो 13 इंटू 13 वन जा एंड 13 टू जा, यहाँ पे 2 आएगा, और 9 एंड 2 ये तो फैक्टर नहीं है, बट और 13 13 यहाँ पे भी हो जा रहा है, 13 ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 13 और 9 यानी कि 9 जा रहा है, 13 9 117 हुआ, यहाँ पे 13 और 10 यहाँ पे भी तो नहीं फैक्टर बन रहा है, फिर किस में फैक्टर बन सकता है, यहाँ पे 13 नमा 117 होता है और यहाँ पे 13 तेईम होता है, इसमें कॉमन नहीं है, और 13 इक्कीम 13 13 इक्कीम 13 यानी कि 11 बन रहा है, इसमें भी कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ पे 13 इक्कीम 13 दूनी 26 13 इक्कीम 13 और 13 13 और 13 दूनी 26 12 बन रहा है, 12 यहाँ बन रहा है, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि 12 में क्या है, यहाँ पे 3 का फैक्टर ये भी हो 9 हो रहा है और यहाँ पे 12 बन रहा है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था थोड़ा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है कि 117 दे रखा है, 117 में 13 नमक 117 होता है, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, और यहाँ पे क्या मैंने लिखा, यहाँ पे 12 लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि 3 3 जा 9 होता है और यहाँ पे 3 4 जा, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का एक फैक्टर फिर से बन रहा है, एक कॉमन फिर से आ रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी और किसी में कॉमन नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। हमें क्या करना है कि 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि वर्ग होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर फॉर्म में बनना चाहिए, तो यानी कि 20 20 जा 400 होता है और 60 60 जा 3600 होता है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर हमारा होगा 1800 एंड 900, तो इसे भी गायब हो गया है ना, तो ये और ये कोई आंसर हो सकता है हमारा। अभी क्या है कि 4, 6, 8, 20 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो हम कंडीशन लगा देंगे और इसको चेक कर लेंगे कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो अगर जो डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, दैट इज़ 120। अभी क्या है कि 120 जो है इसमें से देखो मैंने बताया था कि 400 एंड 3600 हमारा आंसर कोई एक हो सकता है, और यहाँ पे 3600 जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा चारों से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या करना है कि एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 0, 120 आ रहा है, अभी क्या करना है कि 120 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा और छोटी होगा जो डिवाइड हो जाएगा वही हमारे यहाँ पे आंसर होगा, तो 120 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, ये और ये गया एंड ये तो होगा ही नहीं है ना, तो ये हमारा भाई 120 से ये 400 तो होगा नहीं, 120 से ये 3600 ही होगा, तो यहाँ पे वैसे भी आंसर आ रहा है, यानी कि एलसीएम मेथड से जाओगे तो भी इजी है, फिलहाल कोई डाउट नहीं है, बट एलसीएम फाइंड करने की नीड ही नहीं है, हमें जस्ट ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन सही करना है 900 एंड 3600, ठीक है, सॉरी 400 एंड 3600 जो कि हमारा 36। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे ट्राई कीजिएगा, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि इसका आंसर कितना आ रहा है। थैंक यू, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक से चलते हैं कि टाइम वेस्ट हो आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।